हेलो माय लवली बेकर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से आप लोगों के साथ नए केक की डिज़ाइन शेयर करने के लिए आ गया। और आज का फ्लेवर में बनेगा चॉकलेट और वेनीला, दोनों फ्लेवर की कॉम्बिनेशन में केक बनेगा। टू टायर में केक बनेगा और एक छोटा बच्चा का बर्थडे है तो इसके लिए मैंने कुछ थीम सोचा और कैसे बनाऊँगी, कैसे करूँगी और सारे सब कुछ देखने के लिए आपको वीडियो को जरूर वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए पूरे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फर्स्ट का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप लोगों के पास। तो आप देख ही सकते हो, सबसे पहले मैंने वेनिला वाला स्पॉन्ज को पतली पतली लेयर में तीन लेयर में कट लिया और फिर छोटा सा चॉकलेट वाला स्पॉन्ज को मैंने तीन लेयर में कट लिया। और पहले ही मैंने बोला कि दोनों केक के कॉम्बिनेशन में बनने वाला है आज का केक चॉकलेट और वेनिला। तो ऊपर वाला टायर में जो केक बनेगा ना, तो वो छोटा वाला चॉकलेट केक है और नीचे वाला टायर में जो बनेगा वो वेनिला वाला केक है। तो इधर मैंने वेनिला वाला स्पॉन्ज में लेयरिंग करने के लिए बैठ गया। तो लेयरिंग करने के लिए मैंने डायरेक्ट टर्न टेबल के ऊपर एक केक बोर्ड रखा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्रीम दिया, फिर स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर रखा और उसको मैंने हमेशा की तरह आज भी नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से सोख कर लिया। कोई चीनी पानी, शुगर सिरप या फिर पानी के साथ कुछ भी क्रास वगैरह ऐड करके नहीं सोख किया हूँ, क्योंकि वेनिला वाला केक को मैं नॉर्मल ठंडा पानी से ही सोख करती हूँ। फिर मैंने अच्छी तरह से सोख करने के बाद क्रीम दिया, क्रीम को स्प्रेड कर दिया, फिर सेकंड वाला लेयर को बिठाया और सेम स्टेप फॉलो किया। फिर जो वेनिला वाला स्पॉन्ज था ना, वो बहुत ही पतली पतली लेयर में मैंने काटा, क्योंकि आज वेनिला वाला प्रीमिक्स मेरे पास खत्म होने वाली थी तो इसलिए जितना हो सके मेरे पास जितना था तो उसने से ही मैंने बना लिया और पतली पतली लेयर में कट कर लिया। फिर मुझे लगा कि हाइट में थोड़ा कम दिखेगा तो इसलिए मैंने ना किया चॉकलेट वाला स्पॉन्ज थे मेरे पास तो उसका थोड़ा एक लेयर, पूरे एक लेयर मैंने अच्छी तरह से क्रम्स को निकाल लिया, मतलब मिक्स्ड कर लिया और उसको मैंने सेकंड वाला लेयर के ऊपर बिठा दिया। फिर अच्छी तरह से मैंने नॉर्मल पानी से सोख किया, फिर मैंने चॉकलेट गनाश दिया और अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया, फिर थोड़ा बहुत क्रीम देके उसको भी स्प्रेड कर दिया और फिर मैंने एट लास्ट थर्ड वाला लेयर को बिठाया। और थर्ड वाला लेयर मैंने सबसे नीचे वाला, जो केक बेक करने के टाइम जो नीचे वाला लेयर में रहता है उसी वाला लेयर को बिठाया। इसमें फिनिशिंग बहुत ही कम टाइम है और अच्छा खासा आ जाती है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। फिर थोड़ा बहुत क्रीम देके केक की क्रम कटिंग कर लिया। तो फर्स्ट वाला केक की काम तो कंप्लीट हो गया। फिर आती हूँ सेकंड वाला। तो छोटा सा चॉकलेट वाला स्पॉन्ज को मैं सबसे पहले कट करके रख लिया और अब मैंने टर्न टेबल के ऊपर एक केक बोर्ड रखा, दूसरे एक केक बोर्ड रखा, फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने क्रीम लगाया और स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर रखा और उसको भी मैंने अच्छी तरह से सोख कर लिया नॉर्मल ठंडा पानी से। फिर मैंने चॉकलेट क्रीम बना लिया और उसको अच्छी तरह से मैंने दे के स्प्रेड कर लिया और अच्छी तरह से क्लीन भी कर लिया। फिर मैंने अच्छी तरह से टेस्ट बढ़ाने के लिए एक चम्मच जैसे चॉकलेट गनाश ऐड किया हो, फिर उसको स्प्रेड कर लूँगी। फिर सेकेंड वाला स्पॉन्ज की लेयर को बिठाऊँगी और फिर सेम स्टेप फॉलो करूँगी, अच्छी तरह से स्पॉन्ज को सोख कर लूँगी, फिर क्रीम दे के क्रीम को स्प्रेड कर लूँगी और गनाश ऐड कर लूँगी, उसको भी स्प्रेड कर लूँगी और फिर एट लास्ट थर्ड वाला लेयर को बिठा दूंगी। और थर्ड वाला लेयर को बिठाने के बाद मैंने अच्छी तरह से थोड़ा बहुत क्रीम देके केक की क्रम कटिंग कर लूंगी। और आज ना छोटे केक के लिए मैंने छोटा सा पैलेट नाइफ भी यूज़ किया हूँ, बहुत ही मज़ा आ रही है छोटा वाला केक बनाने में। तो एक टाइम ना मैंने मिनी केक बहुत ज़्यादा बना रही थी बट अब मिनी केक के कोई ऑर्डर भी नहीं आया इसलिए मैंने अब मिनी केक बनाते भी नहीं हूँ, ऑर्डर नहीं है तो कैसे बनाऊँगी। और फिर बहुत दिन बाद अब छोटा सा केक बना रही हूँ ना, तब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही है। और तब ना जब मैं मिनी केक बनाती ना, तो मेरे पास जो छोटा वाला पैलेट नाइफ का सेट होते ना वो नहीं थे, तो मेरे पास एक नाइफ था बस नॉर्मल सा, मैंने उसमें स्पॉन्ज करती थी, उस वाला नाइफ से मैंने जो पैलेट नाइफ का काम होता है वही करती थी, बहुत अच्छा लगता था। और अभी मेरे पास जो पैलेट नाइफ का छोटा वाला सेट है पूरे सेट है, लेकिन अभी मिनी केक मैं बनाती नहीं हूँ, मेरे पास ऑर्डर भी नहीं आती है। तो आज मैंने सोचा कि इस वाला पैलेट नाइफ के मदद से मैंने छोटा सा केक की पूरे आइसिंग करूँगी और लेयरिंग भी करूँगी, तो इसलिए इस वाला पैलेट नाइफ के मदद से कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है जो छोटा छोटा चीज़ में हम लोग कुछ भी छोटा चीज़ बनाती हूँ या फिर छोटा छोटा चीज़ में कुछ भी काम करती हूँ ना, तो मुझे तो अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है वो आप लोग भी बताना मुझे कमेंट्स करके, अच्छा लगता है या नहीं। फिर मैंने छोटा वाला केक की जो क्रम कोटिंग है वही कंप्लीट कर लिया और उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के सेट कर लिया। तब तक मैं इस वाला जो नीचे वाला टायर में रहेगा उस वाला केक की आइसिंग कर लूँगी। तो आज मैंने केक की आइसिंग करूँगी, पूरे लाइट ग्रीन कलर की क्रीम से मैंने आइसिंग करूँगी। और लाइट कलर से मैंने कुछ भी केक बनाती हूँ ना, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइट कलर से केक बनाने में वो फ़ोन से ज़्यादा रियल में बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत ज़्यादा खिलते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इस वाला कलर बनाने के लिए मैंने ना वन ड्रॉप जो जेल कलर होता है ना ग्रीन वाला, उससे भी कम मैंने यूज़ किया हूँ क्रीम के साथ और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसमें मेरा ये वाला कलर बन के रेडी हुआ है। और उसको मैंने पैलेट नाइफ की मदद से उठाया और पूरे केक के ऊपर पहले फिल कर लिया और फिर मैंने अच्छी तरह से ऊपर और साइड को स्प्रेड कर लिया और साइड को मैंने क्लीन कर लिया, जो प्लेन वाला स्क्रैपर होता है ना उसके मदद से साइड को क्लीन कर लिया अच्छी तरह से। बस पैलेट नाइफ को आपको, सॉरी पैलेट नाइफ नहीं, स्क्रैपर को आपको सामने पकड़ते रखना है और टर्न टेबल को अच्छी तरह से घुमाते जाना है। फिर अच्छी तरह से जो साइड वाला
वाला पोर्शन है नीट एंड क्लीन वाला मतलब क्लीन हो जाता है। और फिर मैंने हमेशा की तरह आज भी पैलेट नाइफ की मदद से ऊपर को स्प्रेड कर लिया। और जो नीचे वाला टायर की केक था ना उसका जो आइसिंग है वो परफेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसको मैंने साइड में रख लिया और छोटा वाला केक के आइसिंग करने के लिए आ गया। तो पूरे केक को मैंने पहले अच्छी तरह से क्रीम से फिल कर लिया और फिर मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया पैलेट नाइफ की मदद से। फिर साइड को मैंने स्क्रैपर की मदद से क्लीन कर लिया और ऊपर को मैंने हमेशा की तरह और पैलेट नाइफ की मदद से क्लीन कर लिया। तो नीचे वाला जो केक था वो भी कंप्लीट हो गया और ऊपर वाला टायर वाला केक भी कंप्लीट हो गया मेरा आइसिंग। फिर मैंने क्या किया, पैलेट नाइफ की मदद से उठाया एक पैलेट नाइफ की मदद से और दूसरे एक पैलेट नाइफ की मदद से मतलब हेल्प लेके मैंने उसको एक केक के ऊपर और एक बिठा दिया। इस वाला स्टेप में ना आपको बहुत ही सावधानी से और ध्यान रख के आपको इस वाला काम को करते जाना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो केक हमारा बिखर सकता है, तो इसलिए। और फिर मैंने एक स्टार वाला नोजल लिया हूँ और पिछले वीडियो में मेरे एक फ्रेंड्स ने पूछा मैंने कौन सी वाला क्रीम सॉरी नोजल को यूज़ किया हूँ, तो मैंने 6B का छोटा वाला नोजल यूज़ किया हूँ और उसी से आज भी मैंने उसी वाला नोजल को यूज़ कर रही हूँ। तो ग्रीन कलर की क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया और उसी की मदद से ऊपर में मैंने राउंड करके एक एक फ्लावर बना के पूरे कंप्लीट किया हूँ और लास्ट में मैंने केक की नीचे साइड और मिडिल में बॉर्डर वाला डिज़ाइन बना के सेम कलर की क्रीम से कंप्लीट किया हूँ। तो फ्लावर के जो डिज़ाइन था उस हमारा कंप्लीट हो गया। और आज मैंने पहले ही सोचा कि कुछ थीम मैंने सोचा, तो आज मैंने जंगल वाला थीम सोचा, तो इसलिए कुछ टॉपर थे मेरे पास जो जंगल में मिलते हैं एनिमल्स का, तो उस वाला टॉपर को मैंने केक के ऊपर में और मिडिल में कुछ स्टिक कर दूंगी, मंकी लायन डियर एलिफेंट जो भी है वियर्स उसको मैंने सारे एक दो करके लगा दिया, ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि अच्छा नहीं दिखता। और फिर मैंने कुछ स्प्रिंकल गोल्डन कलर की डाल दूंगी। तो डिज़ाइन कैसा लगा नहीं लगा जरूर कमेंट्स करके बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।